खुद को मेंटेन, क्योंकि आप चलेगी मेट्रो ट्रेन। मैंने दिल पर लिख लिया तेरा नाम, आपको आसाना है मुजाकराती टीम का काम, कोई तो पकड़ो टैक्स ना दे हिंदगान, आप तशरीफ लाएंगे करप्शन से पाक नो मास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम तमाम मजाकराथियों की तरफ से आपको खुशामदीद है जो यहाँ स्टूडियोज में बैठे हैं, और वो मेरे दोस्त जो घर बैठे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत सलाम है। एक छोटी सी बात आज बिफोर वी इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट एक्चुअली करना चाहूंगा कि एक चीज मैं हमेशा से देखता आया हूं जो कि एक बड़ी बेसिक सी चीज है, वो है वॉयलेशन। लाल बत्ती पे खड़े नहीं होना, गुजर जाना है। और ना सिर्फ हम अपनी जाने खतरे में डालते हैं बल्कि अपने अहले खाना की भी जाने खतरे में डालते हैं। और हम इशारा तोड़ देते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हैं। सही बात। अगर अब्बा ने इशारा तोड़ दिया तो क्या वो कभी इशारे की पाबंदी करेंगे? वो तो इटनल तोड़ेंगे, वो तो ईंटों से तोड़ेंगे। तो ये तो एक बेसिक सी बात है। चाचा ने इशारा तोड़ा, पुलिस वाले ने फड़ लिया, कहते इशारा तोड़ा, कहते नहीं जी मैं तो चलता चट गया। और एक और बड़ी मजेदार परसेप्शन है हमारे, यानी पहली भी मजेदार थी जी, पहली भी मजेदार दूसरी भी मजेदार है कि रात 12 बजे के बाद हम समझते हैं कि कानून खत्म हो जाता है पाकिस्तान। एग्जैक्टली। ओहो, 12 बज चुके हैं यार, इशारे अब कैसा इशारा नहीं पड़ता, कोई इशारा नहीं। बिल्कुल, गो ऑन, लेट्स गो, नो वरीज। कौन से मुल्क में 12 बजे के बाद इशारे खत्म हो जाते हैं, पाबंदी खत्म हो जाती है? सरदारा ने मुल्क जिन्हें 12 बजते ने वो नहीं देखते, वो तो बिल्कुल ही नहीं देखते। इतने भी वो साफ बना लिया उन्होंने। हमारे मुल्क में इतना उलट हो चुका है, जो सब्स लाइट से गुजर रहा होता है वो ज्यादा कॉन्शियस बैठा होता है। हाँ, कोई मेरे में आके टकरा ना जाए, क्योंकि राइट मेरा है गुजरने का। मैं कहना 100-150 साल पहले थे ट्रैफिक आ गई, इन्होंने चाहिए सी पहले टीवी जी ध्यान दे, इशारे होते हैं, सिग्नल होते हैं, ऐसी ट्रैफिक गुजरती है, 150 साल करते फिर इन्हें समझ आता, फिर अपनी गाड़ियां लेके निकलते। इशारा किसी का खुले नंगन कोई डे है। Exactly. अगर कहो यार तू ना इशारा कटे तो खड़ा होता, फिर हूं कटिया फिर जाकू लिया लाया, मैं खड़ोता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, इशारे तोड़ने पे फखर महसूस, फखर महसूस करते हैं। अच्छा, मेरे साथ कई दफा ऐसा हुआ सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो मैं साथ वाले को कहा भजन ध्यान न वो की साडा इलाका है खिलाड़ थे चल। ये बात बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही होता है जी। बिल्कुल नुमान, माशाल्लाह जो हमारा प्रोग्राम है बहुत देखा जाता है, और इसके तवस्तुत से वसातत से मैं भी एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि जिन कौमों ने तरक्की करनी होती है ना नानो जी, उनका नानो अम्मा पूरी कहा करो। अच्छा नानो जी, उनका पहले ट्रैफिक डिसिप्लिन किया जाता है, ठीक है ना। आप सोचिए जब गाड़ी की और मोटरसाइकिल की टक्कर होती, यूजुअली हम कहते हैं एक गड्डी वाले का कसूर। बिल्कुल। आज इतनी खतरनाक रोड डीजी, और मैंने उसमें देखा मोटर बाइक वाला तसल्ली से फोन निकाल रहा है, अच्छा। फिर रख रहा है, फिर फोन निकाल रहा है। आप सोचे जो माए बेचारी पीछे बैठी हुई होती है इंतजार में बच्चा खैर खैरियत से घर वापस आ जाए, आप सर पे कफन बांध के निकलते हैं, वापस जाने का सोचा ही नहीं होता। और नुमान जी, इशफाक अहमद साहब ने कहा ना कि जो कौम सिग्नल पे 2 मिनट नहीं खड़ी हो सकती वो अपने पैरों पे क्या खड़ी होगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। चलिए तारीफ करवाते हैं आज के मेहमानों का। आज हमारी जो पहली मेहमान है खातून सियासतदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, हायर एजुकेशन कमीशन की सबका चेयरपर्सन रह चुकी हैं, बहुत सारी थालियों में वेलकम कीजिएगा मोहतरमा बेगम शहनाज वजीर अली साहब। और उनके साथ जो साहब तशरीफ रखते हैं वो हमारे शोबिस के समझ लीजिए कि मल्टी वाइटामिन कैप्सूल एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, अपनी प्रोडक्शन कंपनी चलाते हैं और हर वक्त टेलीविजन पे माशाल्लाह नजर आते हैं, बहुत सारी तालियों में इनको भी वेलकम कीजिएगा जनाब दानिश नवाज साहब। आपकी नजर एक शेर है मियां दानिश नवाज, कभी देखा है किसी ने बगैर तारों के साथ, वैसे ही फन सजता नहीं बगैर दानिश नवाज। बहुत बहुत
खुशामदीद वेलकम कहते हैं जी मुजाकिरात में बेगम साहिबा आपको भी। अभी हम ट्रैफिक के हवाले से बात कर रहे थे, आप दोनों का ताल्लुक माशाल्लाह दोनों का कराची से है, कब एजुकेट होगी आपका, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी ताल्लुक रहा है, ये हमारी आवाम कैसे एजुकेट होगी, क्यों आज तक किसी हुक्मरान ने या सियासतदान ने या किसी हुकूमत ने आवाम को एजुकेट करने का नहीं सोचा प्रॉपरली। जी एजुकेशन तो मुस्तकिल चलती रहती है और खासतौर टेलीविजन प्रोग्रामों से जितने लोग एजुकेट होते हैं शायद ही मैं समझती हूँ किताबों से हों। लेकिन अगर आप ये देखिए नौमान के जो कराची की ट्रैफिक है तकरीबन 22 मिलियन लोगों का तो शहर होगा ऑलमोस्ट, और उसके हिसाब से तो इतने हादसे तो नहीं होते। कई दफा ये होता है कि मैं खासतौर पर एमएजेना रोड जो कायदे आजम के मजार से आगे तक जाती है तो चारों तरफ से गाड़ियां रिक्शा मोटरसाइकिल बसें और आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। अब कोई और मुल्क होता तो वहां पे लड़ाई झगड़े होते, लेकिन यहाँ पे कई आधा घंटा 20 मिनट लोग खड़े रहते हैं, बल्कि मैंने तो ये देखा है एक मोटरसाइकिल वाला दूसरे के साथ गपशप में लग जाता है। मैं समझती हूँ कि वो किसी ना किसी तरह हल कर लेते हैं। लेकिन सीरियस नोट पर मैं जरूर कहूंगी कि लोग खुद ही चला रहे हैं अब ये निजाम, वेरी ट्रू, पुलिस नजर नहीं आती कहीं। वहाँ ट्रैफिक फंस रहा है तो ऐसे नौजवान कई आ जाते हैं कि जब तक ट्रैफिक खड़ी अपने अपने मोबाइल भी हमें दे। बिल्कुल होता है, पता लगे ना ट्रैफिक क्यों फंसी है, क्यों मुंह कट के देखो तो ये बंदे अपनी गड्डी से दूसरे को सिगरेट ला। दानिश जी वाई कॉमेडी? हाँ जी बस शुरू कॉमेडी से किया, फिर इसमें बढ़ते गए और कॉमेडी करता रहा मैं। पहला प्रोजेक्ट एज कॉमेडी एक्टर था, फिर डायरेक्ट भी कॉमेडी कर दिया, फिर जब बहुत ज्यादा कॉमेडी हो गई तो ये सोचा कि यार अब स्पेशलिस्ट हो गया हूँ कॉमेडी का, लोग बुलाते इसलिए हैं, अगर अभी भी कॉमेडी का जिक्र होता है तो 5, 8, 20 लोगों में नाम आ जाता है तो वो ट्रेडमार्क बना लिया आपने। हाँ लेकिन अगर मुझे लगता है कि अब मैं सीरियस करूंगा तो शायद 200वां नंबर आ जाएगा, दोबारा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। डू यू थिंक सो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी, एक छाप लग जाती है, आप समझते हैं ऐसा? हाँ मुझे लगता है क्योंकि एक्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, डायरेक्शन में चांस का इशू होता है, लोग समझते नहीं कि यार ये सीरियस डायरेक्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन मैंने किए कुछ सीरियस प्लेस। एक्टिंग में ये होता है एक दफा, क्योंकि हम पब्लिक के लिए काम करते हैं ना, एक दफा जब पब्लिक हमें कॉमेडी करते हुए देख लेती है, शुगल करते हुए, मस्ती करते हुए, फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक एक्टर को एकदम सीरियस दिखा जाए। हाँ फिर कोई ऐसी कहानी क्रिएट की जाए जो कॉमेडी करते करते बंदा सीरियस हो गया, लेकिन जब सीरियस एक्टर शुरू में सीरियस करे और फिर कॉमेडी करे ना तो लोग खुश होते हैं ज्यादा, उनको ज्यादा मजा आता है, शायद इसलिए एक लग जाता है स्टैंप कॉमेडी करने वाले। नौमान भाई एक ड्रामे में ना मैं, मेरी बीवी मरी होती है तो मैं रोता हूँ टीवी, आप भी थे उसमें, आपको तो खुशी होना चाहिए था। टीवी का प्ले था जिसमें नौमान साहब भी थे, तो मेरी बीवी मरी है तो मैं रोता हूँ तो सुबह लोग ने कहते हैं तुम रोन डे सानू बड़ा हादसा होने डे। वो जो आपकी बात है एक्सेप्ट नहीं कर, रो के दिखाए ना कैसे रोए, चलो जी रोए कैसे, हाँ, रोए बताए, बताए, कोई बीवी तो बने ना फिर। देखिए मैंने कभी फरमाया चलो यार बीवी तो आटी समझो सड़ के मेरी बारी इधर, मैं रोएगा ही नहीं हूँ मैं, होगी बीवी मरे कौन होगा। वजह ये कि मरी क्यों थी ये तो बताएं, इन्हें दी वजह ये तो इंजर हो, इन्हें दो बारी मरने वाली उठ के बह गई, उन्होंने कहा इंजर होना जा मैं नहीं मरता। फरीद नवाज बलोच साहब के साहबजादे हैं, बहुत बड़ा नाम, ये जिम्मेदारी महसूस होती है एक्टिंग में? ऑफकोर्स होती है, एक तो एक्टिंग के अलावा भी बहुत जिम्मेदारी महसूस होती है इस बात की, क्योंकि जहां से भी जाते हैं जहां से गुजरते हैं लोग अब्बू को जानते हैं, और फिर हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि उनका नाम मिसयूज ना हो या लोग ये ना सोचें कि यार वालिद अच्छे थे, देखो बच्चे कैसे हैं, बच्चा कैसा निकला है। तो इसलिए अब्बू ने हमारी तरबियत पढ़ाई में बहुत की माशाल्लाह, पहले मैंने इंजीनियरिंग किया, बैचलर्स किया, मास्टर्स किया इंडस्ट्रियल बिजनेस मैनेजमेंट में, और इंजीनियरिंग के लिए जॉब भी की, उसके बाद फिर मैं इस फील्ड में आ गया, क्योंकि मैं वहां शायद बड़े भाई यासिर नवाज भी माशाल्लाह, यासिर जी ब्रिलियंट डायरेक्टर, एक्टर भी बहुत आला। हाँ ये भी निदा यासिर साहिबा जो मॉर्निंग शो करती हैं, भाभी हैं, तो घर में माशाल्लाह इतने सारे लोग, तो क्या कब्जा ग्रुप बनाना चाह रहे हैं मीडिया पे? नहीं कब्जा बस ये हम लोग 2-3-4 लोग हैं फील्ड में, एक भाई डेंटिस्ट भी है माशाल्लाह, भाई डेंटिस्ट हैं डॉक्टर फराज, और एजुकेशन से ज्यादा ताल्लुक है। तो दांतों का काम वो फ्री करते हैं या एक्टर्स के लिए फ्री में करते हैं? अच्छा, और ये तो लोगों को कहते हैं मेरे ना तमीज ना गल करें, नहीं तो अपने भरा को मैं तेरे दंद कटा देने।
इस तरह की लगाते हैं तड़ी मीडिया में लोग? मैं नहीं, वैसे सेल से तो आप ही डेंटिस्ट लगते हैं। मेरे मौसम मेहमान स्टूडियोज में मौजूद हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हम जल्दी से वापस आएंगे। डीजे ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੋਗੇ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਫਰਮੈਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਐਦਕੀ ਵੀ ਗਰਮੀ ਚ ਲੱਭੀ ਜੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਚ ਤੈਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵੇ ਸਜਣੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ੇ ਕੈਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਓਏ ਦੋ ਅਦਦ ਲੰਡੇ ਕੇ ਕੋਟ अगर लंडे के कोट न मिले तो अच्छे कोट आपको पहना कर वापस उतारने से कर दिया। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। इतनी कलेक्शन है डिग्रियों की, तो क्या मतलब आपको लगता था कि ये डिग्री हासिल करने के बाद नहीं अब वो वाली भी डिग्री मैं ले लूं, ये शौक? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी मेरी सारी डिग्रीज जेन्युइन है, सही है। फिर आप सियासतदान नहीं है। फिर असेंबली में बैठने का आपको कोई अधिकार नहीं। तालीम सिर्फ डिग्री से तो नहीं हासिल होती ना, जिंदगी के सफर के जरिए ही आप हर इंसान तालीम हासिल करता है। जनाब डिग्रियां तो खैर हमारे चाचे ने भी बहुत हासिल कर रखी है। चाचे की ग्रेजुएशन कूड़े आलोजी में है और चाचे की पोस्ट ग्रेजुएशन सत्कालोजी में है और चाचे ने तो इल्मे बेकारियात में एमए कर रखा है और इल्मे नहुसियात में एमफिल किया हुआ है। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें? आए है। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इंजीनियरिंग के बाद क्यों शोबिज को क्यों आपने तरजीह दी? इंजीनियरिंग बड़ी मुश्किल से की मैंने। मुश्किल क्या हुई? मुश्किल ये है कि पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। नहीं, पढ़ाई में लगता था तभी इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया और लेकिन वो एक जो इंटरेस्ट होता है ना वो नहीं था। बहुत कोशिश की पढ़ाई के बाद भी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैंने जॉब की रेफरेशन एयर कंडीशन इंजीनियर की, तो उसमें भी बहुत बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं। फिर वो होता है ना, कुदरत मेहरबान होती है, तो फिर मुझे सुल्ताना आपा ने, सुल्तान सिद्दीकी ने मुझे ऑफर किया प्ले डायरेक्ट करने के लिए। अच्छा, एक्टिंग में साथ साथ हल्की फुल्की चल रही थी, रूममेट और मेरे एक आध प्लेस चल रहे थे लेकिन वो ब्रेड एंड बटर नहीं बना सकते थे, वो बस एक संडे को हम शूट करते थे। लेकिन जब सुल्ताना आपा ने मुझे डायरेक्शन की ऑफर की, उनका पहला सोप तुम मेरे हो मैंने डायरेक्ट किया था, हम टीवी का पहला सोप, तो उसके बाद से फिर मुझे लगा कि हाँ अब मैं ये अब शिफ्ट कर सकता हूँ। किसी भी चीज में इंटरेस्ट अगर डेवलप करना हो तो क्या करना चाहिए, कोई नुस्खा है इसका? हाँ जी, क्यों नहीं लिखे जी? हम तो तैयार। अच्छा लिखवाइए। चीजों वाले किया लिखो, तरीजों वाला किया, किया कदू गर्मियां ने ना, तरीज वाला खुला, गर्मी हो ना हो नुस्खा नुस्खा है जी, जी, तरीजों वाला घिया। हाँ ये क्या किया? दो अदद लंडे के कोट, अगर लंडे के कोट ना मिले तो अच्छे कोट आपको पहना कर वापस उतारने से कर दिया। वेरी गुड। मेरा ही शागिर्द है, मैंने सिखाया हुआ। अच्छा। हाँ अगर कोट सूट ना करें या लंडे के या मेरे, तो फिर एक अदद चर्चल का चेस्टर। ठीक है उस्ताद जी, कुल्फा लिखे कुल्फा। अच्छा, कैपिटल काफ से? नहीं, नहीं। काफ कुत्ते वाला। कुत्ते वाला लंबा होता है। अच्छा, कैंची वाला? कैंची वाला भी नहीं, चाकू वाला। लिख लिया जी, सोडे की बोतल लिखे। ओके उस्ताद जी, उस्ताद ने कह रही थी उस्ताद को हफ्ता घर नहीं आने देना। इस चीज का नुस्खे से क्या ताल्लुक है? ये एहतियात बता रहे, नुस्खा और चीज होती है। सोडे की बोतल जी, ये आतिश नहीं होती जो हवाई चलती है जी उस्ताद जी, शुरली चलती है आग लगाने से। शुरली शुरली आप गरीबों में कहते हैं, आतिश कहते हैं जी। बिल्कुल हाँ जी जी। आप गरीबों की छुड़ली अजीब तरह की होती है जी, तो जी। इस तरह बड़े लोगों की छुड़ली होती है ना, यूं आग लगाते हैं नौकर लोग, यूं बच्चे देखो वो चले गए यूं बबा बम फूल सितारे बन गए। गरीबों की छुड़ली ऐसी होती है माचिस खाली होती, वो नहीं चलती। फिर उन्हें लंबिया पाके जमीन से कोल आओ तो फीते से कोल आती, रोटी रोटी खाओ अद्धे घंटे बाद कोले आपे चल के नाने की धोती च बन। Yeah.
तेरे अंजाम पे रोना आया, वो जो मिलता नहीं उस काम पे रोना आया। कभी तड़पाए हमें बेहिसी हकूमत की, कभी उसके किसी इकदाम पे रोना आया। कभी ख्वाहिश हुई चार कुछ हाली हो, कभी इस ख्वाहिश नाकाम पे रोना आया। वाली दरबार वो कह रही है जहर पक्का। हेलो, तुम खा के सो जाना, मैं लेट आऊंगा। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। दानिश जी, अमूमन देखा गया जो कॉमेडियंस होते हैं वो बेसिकली एक तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं और कोई ना कोई गमगीन स्टोरी उनकी जिंदगी में जरूर होती है, जैसे चार्ली चैपलिन है। हकीकी जिंदगी का और जो वो स्क्रीन पे थे बहुत फर्क है दोनों पर्सनैलिटीज में, ऐसा है आपके साथ भी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कोई गमगीन स्टोरी तो नहीं है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जो गम है वो अबू का इंतकाल है, और कॉमेडी में अबू के इंतकाल से पहले भी कर रहा था, तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया। शायद इसलिए मैं इतना पाए का एक्टर नहीं बन सका अभी तक कि गम नहीं है जिंदगी में। अच्छा, लेकिन मैं अपने आप को कॉमेडियन कम मानता हूँ, एक्टर ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि मुझसे कॉमेडी ऐसे नहीं होती कि मैं किसी को जुमले या जुगत या किसी को इस तरह हंसा सकूं। मैं स्क्रिप्ट की कॉमेडी करता हूँ जो राइटर से लिख के आता है। दानिश भाई का होलिया माशाल्लाह, सर डाकू आए भी ना लूटने के तो देखते कहते अबे भाग बे दानिश भाई। असल में अभी एक फिल्म की हमने रॉन्ग नंबर के नाम से इंशाल्लाह ईद पे रिलीज हो जाएगी, उसमें मेरा कैरेक्टर नेगेटिव है। अच्छा, तो उसमें उसका ये गेटअप है किया। वाओ जी, विलन किया? हाँ विलन किया, लेकिन कॉमेडी विलन, मतलब विलन। ऐसा नहीं गुस्से वाला विलन, पैसे छीन के विलन है, पैसे छीन के। भुट्टो साहब के दौर में जब डॉक्टर मुबशर साहब, मुबशर हसन साहब थे, सिर्फ एक वो ही टाइम था जब तालीम के हवाले से बहुत बड़ा एक बजट जो था वो मुख्तस किया गया था, उसके बाद ऐसा नहीं हुआ, क्यों? जो कौम समझे कि जी मेरा बच्चा तो अच्छे स्कूलों में चला जाए जहाँ पे उसकी तरबियत बड़ी अच्छी हो, और अब तो वहाँ पे आपको पता है सिक्योरिटी गार्ड्स भी बहुत लग चुके हैं और सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं और दीवारें भी बड़ी ऊंची की गई हैं, और जो आम बच्चा है वो जाता है किसी आम उसका स्कूल की सरकारी स्कूल में, उसमें की तो दीवार ही नहीं है, छत भी नहीं है, पक्का हाथ के लेके बैठे। बहुत सारे स्कूल में बच्चे नहीं, प्याज पड़ी है, आलू पड़े हुए हैं। देखिए ये निजाम जो है, नहीं है बिल्कुल, नलके जो पानी नहीं आ रही बीच रहे होते हैं बेचारे, टूटियां ही होने लगी है इंज करके, टूटी खोलो सीधी तेरी अख च पैंदी, मुड़ के हाथ रख के बंदा कहता खोली। पब्लिकली और जलसों में खड़े होके जब डींगे मारते हैं तो इनको ये बातें करते हुए, हम सब जिम्मेवार हैं, उसमें मैं अपने आप को भी शामिल करती हूँ क्योंकि मैं भी हुकूमत में रही हूँ। लेकिन देखिए कौम जब फैसला करती है कि हमने अपने बजट में से कितना खर्चा किस चीज पर करना है, अगर लोग टैक्स नहीं देंगे हुकूमत को, और आपने कल ही अखबारों में पढ़ा होगा कि कितने सारे अहम सियासतदान भी हैं और दूसरे भी हैं, कारोबारी लोग भी हैं जो टैक्स बिल्कुल नहीं देते, हजार रुपया टैक्स देते हैं, तो हुकूमत के पास पैसे कहाँ से आएंगे? वाह वाह वाह, ये वाह 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 की नहीं, हाय 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 की बातें हैं। काम्या जी मुझे जरा बताइएगा शनाज जी के हवाले से कि बचपन से ही शौक था पढ़ाई शढ़ाई का, कैसा बचपन गुजरा है जरा बताइएगा इनका, सितारे क्या कहते हैं? जो इनकी डिग्रीज वाली बात सुन के तो मैं भी हैरान हुई हूँ, क्योंकि इनके हाई स्टडीज वाले हाउस में सबसे वीक प्लैनेट मौजूद था, और मेरे हिसाब से अल्लाह मियां ने इनको दिमाग एक्स्ट्रा जीनियस ब्रेन दिया, लेकिन कुछ कमी थी कहीं ना कहीं, वो फोकस क्लियर नहीं रहा, ये तो ये खुद सुनाएंगी। लेकिन मेरे हिसाब से जो शहनाज जी की जो जर्नी है वो उन्होंने नुमान जी डिग्री से नहीं सीखा हुआ लगता है मुझे, क्योंकि इतनी इनकी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग है, शी सेड इट के जिंदगी के इनकी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग है कि इन्होंने लोगों से सीखा है, लोगों को पढ़ा है। मैं बहुत सारी जगहों पे पढ़ा चुकी हूँ, बड़ी यूनिवर्सिटी है कराची की, उसको मैं प्रेसिडेंट हूँ, उसको कह ले वाइस चांसलर की पोजिशन होती है। सबसे पहले जो मैंने काम शुरू किया वो कराची में लियारी में एक सरकारी स्कूल था, स्कूल नंबर 32। आप लियारी की रहने वाली? नहीं, वैसे आप इतनी शक की नजर से क्यों देख रहे हैं? ये अखबारों में पढ़ते हैं कि लियारी बहुत अच्छी जगह है इन दिनों। बहुत अच्छे
प्यारी। एक गंदा नाला था, उसके साथ एक बिल्कुल कच्ची सड़क, सड़क भी नहीं, सरकारी स्कूल ऐसी लोकेशन पे होते हैं, सड़क भी नहीं, एक गली थी, गली और पुराना इलाका है, वहाँ पे पुरानी इमारतें, तो वहाँ पे बाहर बच्चे कोई 30-35 बच्चे छोटे से बैठे हुए थे और जमीन पर बैठे हुए थे, मिट्टी में बैठे हुए थे, और उस दीवार की साइड पर एक किस्म का ब्लैक बोर्ड काले रंग का पेंट किया हुआ था और एक वहाँ पे उस्ताद पढ़ा रहा था उनको। तो मैंने कहा कि जी ठीक है, मैं अपना यहाँ पे तजुर्बा जो है टीचिंग का, पढ़ाने का, यहाँ से शुरू कर लेती हूँ। बहरहाल कोई 3.5 महीने मैंने वहाँ पे पढ़ाया, और मैं सोचती थी कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, पैरों में जूते नहीं है, और सिर्फ कई बच्चों की कमीजें थी और फटी सी किताब थी हाथ में, और कईयों के पास कोई ना पेंसिल थी ना कुछ, और किताबें कम और कुछ स्लेटें वगैरह थी। तो वहां से फिर मैंने तालीम का जो सफर शुरू किया, मैं कहती हूँ अपनी तालीम का, अमेरिका की डिग्री एक जगह लेकिन असल तालीम मेरी इस तरह। क्या अच्छी बात, क्या अच्छी बात। कितने साल हो गए किस चीज को, शोबिज में? पूरा क्वेश्चन करें ना आप, ऐसे लग रहे पूछ रहे माशाल्लाह कितने साल हो गए, पर छीनते। पर्स चीनते हुए तो खैर 2-3 साल हुए। शोबिज में मेरे ख्याल से 2003 के एंड में आया था, 2004 का, माशाल्लाह 12-13 साल हो गए। हाँ जी, काफी टाइम। तो क्या नादानिया अली फेस में था? नहीं, नादानिया मिडिल में था। मैं बच्चों के प्रोग्राम में एंकरिंग भी की। जी जी जी, शुरू बस इंडस विजन से गजनफर साहब ने स्टार्ट करवाया, वहाँ से बड़े पौधे लगाए हुए हैं गजनफर, गजनफर साहब बड़े पौधे लगाए हुए हैं माशाल्लाह। तो वहाँ से स्टार्ट किया, बस उसके बाद डायरेक्शन भी दी, फिर प्रोडक्शन भी की। किस में ज्यादा मजा आता है, डायरेक्शन में, एक्टिंग में या एंकरिंग में? प्रॉब्लम यही है मेरे साथ कि मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया मुझे सबसे ज्यादा मजा किस में आता है, क्योंकि जब मैं एक्टिंग करता हूँ तो मेरा दिल करता है यार डायरेक्शन दी जाए, और जब मैं डायरेक्ट करता हूँ तो मेरा दिल करता है कि यार प्रोड्यूस करूँ। किसी दूसरे की डायरेक्शन में जब काम कर रहे होते हैं तो उसको टफ टाइम देते हैं? नहीं नहीं, अब चूंकि मैंने इतना डायरेक्शन दे दी है और एक्टिंग भी की है, और तो अब मुझे प्रोड्यूस किया है ना, जब से प्रोडक्शन में आने के बाद अंदाजा हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मसले हैं, जो एक्टर नहीं समझ पाता, क्योंकि मुझे लगता है कि बाहर जितने भी एक्टर आज स्टार हैं वो सब असिस्ट कर चुके हैं किसी डायरेक्टर। बिल्कुल ठीक बात है। तो उनको वो पेन पता लग जाता है कि यार लाइट जाने का क्या मसला है, खाने का क्या इश्यू है, अगर कोई पानी लाने में देर हो रही है स्पॉट को तो उसके पीछे एक रीजन होगा, उसके पास 4 काम होंगे। तो हमारा एक्टर कहता है अभी तो स्पॉट मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, यू नो। मैंने जब प्रोडक्शन की तो मुझे अंदाजा हुआ अब मैं सबसे अच्छा एक्टर हूँ डायरेक्टर्स के लिए, कि मैं अपने टाइम पे जाता हूँ, बैठ जाता हूँ माशाल्लाह, और टाइम देता हूँ। आप ये देखें कि बड़े शहरों के लोग ना आदी होते हैं हर चीज के, रिक्शे का इंतजार कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, देहातों के लोग रिक्शे का इंतजार ही नहीं करते, खाली पास से गुजर जाता है, जाना मैं किधर जाना, चल जा। शहरी बंदा व्याह तो शहरी गए हो ना, चुप करके लाड़े नु सलामी जे रख लो। हाँ, रख लो। हाँ। बाद च लाड़ा गिणदा 5,000, 7,000, 10,000, ओदा लक सीधा हो जाता, तो पेंडू 7 जी व्याह ते आउंदे ने ते 100 रुपया दे के कहण दिंदा लिख लई। बिल्कुल लिख 100 रुपया अशरफ शेखपुर वाला लिख, साडी 25 वारी तुहाडे ले सलाब आ जांदे, उत्थे नहीं पैंदे लिख। शहर मलीमे च बंदा जावे ते 8-10 डिशां पक्कियां ने, रंग बिरंगियां चीजां खांदे ने, ते पेंडुआ ने जिहड़ा कट्टा करना हुंदा 8 दिन पहले बूहे अगे बन्निया हुंदा लिया के, ओह कट्टा आउण वाले हर परौणे नूं वेखण दे, इन्हें भी मैनूं खाणा। देखिया कभी पिंड का व्याह तुसी, उत्थे ते डर दा खुसरा नहीं जांदा पिंड, क्यों वो क्यों? वो खुसरे दा मुजरा भी इंज वेखदे जिवें कुत्तियां दी दौड़ वेखी। बुरे जे मूह वाला पेंडू 1 रुपया लैके दूर ट्राली ते बैठा हुंदा, वो खुसरा एडा वड्डा खाड़ा टप के रुपया फड़न जांदा, अगो फेर कहंदा तेरा नच के आ। कोई बंदा पुछे पहलो साइकिल ते आया, इन्हें तंग आके तो टीवी ज्वाइन कर लिया। मॉडल की गिरफ्तारी की, कदे अंडों को सियासत से निकाला जाए, आजकल एक ही डिमांड है जरदारी की, सारे झूठे ने।
भाई है कोई सखी, है कोई सखी जो बाबे को डिग्री दे दे? कौन सी डिग्री चाहिए? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, ये पिछले दिनों स्टेटमेंट दी है जरदारी साहब ने कि अभी इतने बालिग नहीं हुए, तरबियत होने वाली है बिलावल साहब की, तो अगर ऐसी बात थी तो फिर इनको चेयरपर्सन क्यों बनाया पार्टी का? जी चेयरपर्सन तो मुत्तफिका तौर पर बनाया ना उनको सारी पार्टी ने, तो तरबियत की बात बनाना चाहिए था पहले। देखिए तरबियत की तो अभी पहले भी बात हो रही थी, तरबियत एक मुकम्मल, कोई ऐसा दिन नहीं आता कि आपकी तरबियत मुकम्मल हो जाए। तो बिलावल साहब जो है बहुत कुछ समझते भी हैं, जानते भी हैं, और पहले तो उन्होंने अपनी तालीम यूनिवर्सिटी की मुकम्मल की, उसके बाद यहाँ पे आए और अब इंशाल्लाह आएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये जरदारी साहब की जो बात है वो इस अंदाज से नहीं हमें लेनी चाहिए कि कोई ऐसा दिन आएगा या 6 महीने के बाद तरबियत मुकम्मल हो जाएगी तो फिर बिलावल साहब यहाँ पे आएंगे। उनका मतलब ये था कि सियासत में तो आपने मुस्तकिल तौर पर एक आप सीखते जाते हैं और लोगों के साथ मिलना मिलाना रहना चाहिए और इस तरह सियासत सीखी जाती है। कॉमेडियंस अच्छी कॉमेडी करते हैं दानिश जी, या सियासतदान अच्छी कॉमेडी करते हैं? मेरे ख्याल से जिसका जो काम है वही अच्छा कर ले, क्योंकि सियासतदान जब कॉमेडी करता है तो सामने वाला रो पड़ता है, तो इतना ना हंसाएं कि हम रो पड़े, बेहतर है कि जिसका जो काम है वही करे। लव मैरिज हुई, अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज है मेरी। ओहो, तो नहीं, उससे खुश नहीं? दुखी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, खुश है अपनी मैरिज लाइफ से, और बहुत बहुत लकी हूँ मैं, बहुत कंफर्टेबल है मेरी लाइफ, बहुत अच्छी लाइफ है, और मेरी फैमिली और सब लोग यू नो। दानिश भाई अर्गे बंदे ना अपने ब्याह से दोस्त नु कह रहे होंगे ने, जांजल जा रही तो उन्होंने कह रहे यार वो कबूल कर लेंगे, जा तो रहा हूँ देख लेना। इतने इंट्रोवर्टेड, इतनी हाई ईगो, समंदर के अंदर जैसे मौजों में तूफान पाया जाता है, बज़ाहिर अमन पसंद नजर आने वाला इंसान, पर जब कभी वो जब मौजों का आतिश फिशां फटता है तो फिर दुनिया ने भुगता होगा। आपके बारे में फिर शायर ने कहा है, चुपचाप न ले जाए समंदर को उठाकर ये शख्स जो साहिल पे खड़ा सोच रहा है। मैंने एक शेर अर्ज किया है, किसी शायर ने जवाब नहीं दिया, बड़े बड़े मेरा ये एक चैलेंज समझ लें, दावा कि कभी दावा और चीज होती है, दावा ये होता कि ये मेरा है। फारसी का शेर अर्ज है, रिदाए बूगे दादे अस्ते जगा, आहा, और ये शायर दा मतलब मुकर्रर नहीं है, एक बारी जो निकल गया वो निकल गया। अच्छी बात है, अच्छी बात है, मुकर्रर नहीं है। वाह वाह वाह। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी डीजे उस दुश्मन ने जहाँ से गिला क्या, हमेशा से रहे मुंहजोर डाकू, नहीं महफूज कोई भी यहाँ पर, फिर बेबाक होकर चोर डाकू, तेरे एजाज लूटे हैं जिन्होंने, अदब में थे जरा कमजोर डाकू, बेशरम ने। जी सलाम अलैकुम जी, क्या क्या पक्का है जी? वो कह रही है जहर पक्का। हेलो, तुम खा के सो जाना, मैं लेट आऊंगा। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। कुछ और बताइए हमें मोहतरमा शहनाज साहिबा के हवाले से। ऐसे लगता है कि जब शहनाज जी की शादी हुई होगी ना नुमान जी, तो लोग इन पे बड़ा एनवी करते होंगे, लोग बड़ा रश करते होंगे, क्या अच्छा खावन मिला है, पता नहीं किस किस्म के होंगे, वो तो यही बताएंगी। लेकिन फिर एकदम से एक लक का डिजास्टर आता है और इनकी मैरिज में इश्यूज कुछ पैदा होते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं आपकी इजाजत से साथ ही पूछना भी चाहूंगी शहनाज जी से, कि शहनाज जी आपने एक सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं अवेल किया? एक मोहब्बत करने वाली चीज आपकी सराउंडिंग में नजर आती है, एक फरिश्ता टाइप, एक सेकंड ऑप्शन बन सकती थी, वो आपने मिस कर दी। बच्चों के लिए, मेरे 3 बच्चे, तो मैं समझती थी सारी तवज्जो 3 बच्चों की तरफ होनी चाहिए। बड़ा
है कोई सखी, है कोई सखी जो बाबे को डिग्री दे दे? कौन सी डिग्री चाहिए? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेयर है तो दे दीजिए। यही मैं कहने लगा था कि इनिया डिग्रिया नहीं, एक बाबे ने भी दे देंगे तो की हो जाएगा। नहीं तो बाबे ने की वेच पकौड़े पाने। क्या हो गया? क्या हो गया बाबा जी? बाबे की कॉल आ रही है। वाइब्रेशन पे लगाया हुआ? वाइब्रेशन नहीं कहते, तरथली कहते हैं। कोई बाबी का खून ही, बाबी का खून ही। वाह वाह, गल कर गल कर। अरे उन पूछ की पक्का है, बाबा पूछ रहे की पक्का है। जी सलाम अलैकुम जी, क्या क्या पक्का है जी? वो कह रही है जहर पक्का। हेलो, तुम खा के सो जाना, मैं लेट आऊंगा। सियाने क्या कहते हैं? सियाने कहते नहीं कि सदा ना मापे हुस्न जवानी ते सदा ना सोबत यारा। वाह 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 वाह। सदा ना मापे हुस्न जवानी, सदा ना सोबत यारा, ते सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा। बेशक जो भी साधु संत फकीर है, इस बच्चे नु जे मैच्योर कर देन ते मन्ने जोगी या तेरा ही कमाल है। मैच्योर करें, मैच्योर कर दे बाबे इसको। हे तुरुक तक दिन झंडे शाह, हे तुरुक तक दिन झंडे शाह, दा क्रिकेट दा, दा क्रिकेट दा, दा क्रिकेट। आ मैच्योर होया ही? मेरा नहीं ख्याल। इंज मैच्योर हुंदे बच्चे ते बुलावल इत्थे ना आ जांदा। बात तो पते की है, अनुज साहब नहीं आए हैं। क्या कहने सरकार, हूं तो कराची दे हालात अच्छे ने, अब आप बाल कटवा सकते हैं। हाँ फिल्म का गेटअप है। क्या कहने, बाबे का भी वड्डा भरा फिल्म बनाउंदा हुंदा, बाबा भी कम कर। देख जरा जोगी साधु संत फकीर तुझे सांप निकालने जा रहा है बच्चिया, देख जरा। ये चटपन क्या उड़ चुपन चटपन, तुम तड़ाक छू चढ़ाक आ, ये काली कलकत्ते वाली तेरा वार ना जाए, खाली जो भी है हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए। ये दागड़ा 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 कर दिन तहरिया बोतला, खरिया बोतला, सुचिया बोतला आ, भाई कुल्लू पुल्लू चू चुल्लू हट कटोरी चू, हे भूज माली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर, ये हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर, भाई दागड़ा 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 कर दिन ता। अरे छप निकली नहीं, नहीं। एले फिर उस तरह निकली, उस तरह उस तरह। ये क्या निकाल लिया? पाकिस्तान दे विच बड़े बड़े उस्तरे ने, यकीन कर, कई आवाम नु कटन दे नहीं ते कई अपने नाल दिया नु कटन दे नहीं। यानी कि हर आदमी यहाँ पे उस तरह है, हर आदमी उस तरह है, तू अपने तो हिसाब ला। जी हर बंदा उस तरह नहीं, कई नेर ने भी नहीं। तू अपने तो साफ ला, या तू कह के मैं आदमी नहीं? नहीं मैं आदमी हूँ। आदमी है ना, फिर तू ही बड़ा उस तरह है, जेड़ा भी कुर्सी पे वड्डा बवे समझ तू उस तरह है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी, तो इनकी तस्दीक हो गई, बायोमेट्रिक टेस्ट हो गया इनकी बात का। हो गया, वेरी गुड। कराची में बहुत फैंस हैं आपके, और आपका शो जितना यहाँ पॉपुलर है उतना कराची में भी है, लोग बड़े शौक से देखते हैं। मैं अगर टीवी पे नहीं देख सकता तो मैं इंटरनेट पे देखता हूँ आपका शो, और इट्स रियली नाइस शो। तो आपके जो फैन है ना पूरी दुनिया में, कराची हैदराबाद लाहौर, मेरे लिए ये बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस है।